जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी जय यशोदनन्दन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदनन्दन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीर वनचारे जय कुंज बिहारे। जय यमुना तीर वनचारे जय कुंज बिहारे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Jai Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jai Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jai Gaura Nithai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Jaya Prabhupada. Nithai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nithai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दसवां स्कंध पचासवा अध्याय। कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। श्लोक संख्या 9। एतदर्थोऽवतारोऽयम् भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोन्येषां वधाय च। एतदर्थोऽवतारोऽयम् भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोन्येषां वधाय च। एतदर्थोऽवतारोऽयम् भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोन्येषां वधाय च। दो प्रभु जी दो माता जी। संरक्षणाय साधूनां भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोन्येषां वधाय च। एतदर्थोऽवतारोऽयम् भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोन्येषां वधाय च। एतदर्थोऽवतारोऽयम् भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतोन्येषां वधाय च। एतत् इस अर्थः प्रयोजन के लिए अवतारः अवतार अयम् यः भू पृथ्वी का भार बोझ हरणाय हटाने के लिए मैं
मेरे द्वारा संरक्षणाय पूरी सुरक्षा के लिए साधु नाम साधुओं की कृतः किया गया अन्येषां अन्यो असाधुओं का वधाय मारने के लिए च तथा अनुवाद मेरे इस अवतार का यही प्रयोजन है पृथ्वी के भार को दूर करना साधुओं की रक्षा करना और असाधुओं का वध करना अनुवाद को दोहराइए मेरे इस अवतार का यही प्रयोजन है पृथ्वी के भार को दूर करना साधुओं की रक्षा करना और असाधुओं का वध करना ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस वर्ष के जन्माष्टमी के सुअवसर पर आयोजित किए जाने वाले कृष्ण कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन वैसे शाम के 7 बजे ये कथा होती है, परंतु क्योंकि आज रविवार है इसलिए दोपहर में हम कर रहे हैं। तो कल चर्चा ये हो रही थी कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता मगध राज जरासंध के पास रोते हुए गई और शिकायत की उन्होंने श्री कृष्ण की। राजा जरासंध आग बबूले हो गए और शोकग्रस्त अवस्था में उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं परम उद्यम करूंगा, बहुत परिश्रम करूंगा और सेनाओं को इकट्ठा करके मैं यदुओं को पृथ्वी से हटा दूंगा, अर्थात पूरे यदुकुल को विनष्ट कर दूंगा मैं। और ऐसे सोचते हुए जरासंध ने अपने अधीन जो राजाएं थीं उनसे उनकी सेनाएं ले ली और अपनी सेना उनसे जोड़कर 23 अक्षोहिणी वर्गों वाला एक सेना तैयार किया और मगध से निकल पड़े, मथुरा में आ पहुँचे। मथुरा को उन्होंने घेर लिया। जब मथुरा को घेर लिया तो सारे मथुरा के निवासी घबरा गए। श्री कृष्ण ने इस सेना को देखा
और अपनी प्रजा की अवस्था को देखा और वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए ताकि ये जो खतरा हमारे सामने है वो मिट जाए। मेरे प्रिय यदुवंशी मथुरावासी सब डर गए हैं, इतने विशाल सेना यहाँ खड़ी है और इस सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, तो इसके लिए क्या उपाय है? तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि तीन उपाय भगवान के मन में थे। एक उपाय कौन सा था? सेना को मार देना और जरासंध को बचा के रखना। दूसरा उपाय जरासंध को मारना, सेना को छोड़ देना और अपनी सेना में मिला देना उस सेना को। और तीसरा उपाय दोनों को मार डालना। अंततः श्री कृष्ण ने कौन सा उपाय चुन लिया? पहला वाला, कि सेना को विनष्ट करना है, जरासंध को बचा के रखना है। इसके पीछे क्या कारण था? पृथ्वी का बोझ बहुत बढ़ गया था और ये अनावश्यक सैन्य बल पृथ्वी को बहुत पीड़ित कर रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले इस सेना को मैं समाप्त कर लूं, फिर जरासंध यदि जीवित रहे तो निश्चित ही वो वापस अपने गांव अपने राज्य में जाकर पुनः और एक सेना तैयार कर लेगा, फिर से आक्रमण करेगा, तो फिर से मैं उस सेना की हत्या को मार डालूंगा। इस तरह से इकट्ठे मेरे द्वार पे सारे ये जो सैनिक हैं आ जाएंगे और इनकी हत्या करके मैं पृथ्वी का बोझ कम कर पाऊंगा। ऐसे सोच के उन्होंने निश्चय कर लिया, हनिष्यामि बलम ही तद भुवि भारम। तो निश्चित ही मैं इस सेना का भार कम कर दूंगा, इसको नष्ट करके। और फिर आगे अभी सोचने लग गए। पिछले श्लोकों में हमने सुना था कि श्री कृष्ण सोच रहे थे स्व अवतार प्रयोजनम, मेरे अवतार का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए और जो वर्तमान की परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे कोई उपाय ढूंढ निकालना है। तो अब स्व अवतार प्रयोजन कि मेरे अवतार का उद्देश्य क्या है, इस पर भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। क्या सोचा उन्होंने, वो इस श्लोक में है जिसका पठन हमने आज किया। एतद अर्थः अवतारः अयम्, ये उद्देश्य है मेरे अवतार का। कौन से अवतार का? अयम्, इस अवतार का, अर्थात जिस अवतार में श्री कृष्ण अभी प्रकट हुए हैं। अब जो कि वो मथुरा में खड़े थे अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि अब ये अवतार जो मैंने लिया है मथुरा में, मेरे इस अवतार का ये उद्देश्य है। एतद अर्थः, क्या वो है उद्देश्य? पहला, भूभार हरणाय मे, तो मेरे द्वारा मैं भू अर्थात पृथ्वी का जो भार है बोझ है हरणाय, उसको हर लेना, ये पहला उद्देश्य है मेरे प्राकट्य का इस अवतार में। दूसरा उद्देश्य क्या है? संरक्षणाय साधु नाम, जो साधु जन हैं उनकी पूरी तरह से रक्षा करना। केवल रक्षणाय क्यों नहीं कहा, संरक्षणाय क्यों कहा? क्योंकि रक्षा अनेक दृष्टि से हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ी नहीं हो सकती है। रक्षा अपूर्ण भी कभी कभी हो सकती है, सीमित भी हो सकती है। परंतु ये साधु जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय होते हैं और इसलिए भगवान चाहते हैं कि विशेष करके उनके भक्तों की रक्षा अपूर्ण न रहे, वो पूर्णतया हो जाए, परिपूर्णता से उनकी रक्षा हो, सम्यक रूपेण रक्षणम, इसलिए संरक्षणम। तो मेरे साधुओं की मैं पूरी तरह से रक्षा करूंगा, हर दृष्टि से रक्षा करूंगा।
संरक्षणाय साधूनाम, ये दूसरा उद्देश्य। और तीसरा क्या है, कृतः अन्येषां वधाय च, अन्येषां अन्य अर्थात जो साधु नहीं है वो, उनके लिए क्या करना, कृतः वधाय, उनका वध करना। तो साधुओं की पूरी तरह से रक्षा करना और जो साधु नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनका वध करना। तो भगवद गीता का ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, सभी लोग जानते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये दोनों चीज भगवद गीता में भी भगवान कह चुके हैं, परंतु भगवद गीता कहने के पहले भगवान ने यहाँ पे घोषणा कर ही दी थी कि मेरे अवतार का ये तीन उद्देश्य होंगे। तो कौन से तीन उद्देश्य, पहला भूभार हरणाय, पृथ्वी के बोझ को हर लेना, दूसरा उद्देश्य साधुओं की अपूर्ण रक्षा करना, थोड़ी थोड़ी रक्षा करना, पूर्णतया रक्षा करना, और तीसरा उद्देश्य दुष्टों का विनाश करना। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान सोच रहे थे। और श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी ने भी कहा है, भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो तधौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भुवार्थितः। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, अन्य ऐसे थोड़े भी अन्य लोग हैं जो आपके अवतार के पीछे जो कारण है वो इस प्रकार से बताते हैं। कुंती महारानी इन श्लोकों में विभिन्न लोगों के मत बता रहे हैं कि कोई ऐसे कहते हैं कि आपके अवतार का कारण ये है, कोई अन्य लोग कहते हैं नहीं नहीं ये है। तो थोड़े लोग उनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं, अन्य लोग क्या कहते हैं, भार अवतारणाय च, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, क्योंकि बोझ बहुत असहनीय हो गया था माता पृथ्वी के लिए, भूदेवी के लिए, तो पृथ्वी माता के बोझ को हल्का करने के लिए भार अवतारणाय च, अन्ये भुवो नाव इवो दधौ। और पृथ्वी की दशा कैसी थी, जैसे एक नाव, एक नौका जब बीच समंदर में होता है और निस्सहाय, वो तो पूरी तरह से सागर के कृपा पर निर्भर है, सागर चाहे तो बस एक लहर आ जाए और उल्टा पुल्टा सब हो जाए, सब खत्म वहाँ समुद्र में। और बड़े बड़े जहाज भी ऐसे हुए हैं, लगभग 100 साल पहले ये टाइटैनिक नाम का जहाज था, और अपने पहले ही यात्रा में उन्होंने बहुत घोषणा की थी कि ये ऐसे एक जहाज है जो कभी डूब नहीं सकती। और इंग्लैंड से अमेरिका की यात्रा की और एक बर्फ से टकरा दिया और डूब गया, बहुत सारे लोग मारे गए। तो चाहे कितनी बड़ी जहाज हो, अपने आधुनिक से आधुनिक श्रेष्ठ तकनीकी ज्ञान से बना हुआ हो, परंतु प्रकृति के विरुद्ध हम संघर्ष कर सकते हैं, परंतु पूरी तरह से कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो पृथ्वी सीदंत्या भूरि भारेण, सीदंत्या अर्थात बहुत पीड़ित, तो पृथ्वी देवी जो है इस भार के कारण बहुत पीड़ित थी, इसलिए जातः आपने जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, ही निश्चित ही आत्मभू, आत्मभू अर्थात ब्रह्मा जी को स्वयं भू या आत्मभू कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के कोई इस भौतिक जगत में माता पिता नहीं है, हम सबके माता पिता हैं, परंतु ब्रह्मा जी के कोई माता पिता नहीं है, उनके केवल भगवान पिता हैं, सीधे भगवान ने उनको उत्पन्न कराया, इसलिए उनका नाम स्वयंभू या आत्मभू है। तो आत्मभू अर्थितः अर्थात प्रार्थना किए जाने पर, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना जब की कि आप प्रकट हो जाइए पृथ्वी का भार कम करने के लिए, तब आप प्रकट हो गए।
तो पृथ्वी का बोझ जो है ये हमें भी अनुभव हो रहा है ना। जब दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग तरह तरह के अभी ये सब क्या कहते हैं आतंकवाद करते हैं, कोई बम विस्फोट करते हैं, युद्ध होते रहते हैं, कोई चोरी डकैती करते हैं, तरह तरह से लोग बहुत पीड़ित हैं। तो सूक्ष्म रीति से और स्थूल रीति से ये बोझ पृथ्वी के लिए असहनीय हो जाता है, और इसलिए भगवान समय समय पर युग युग में प्रकट होके पृथ्वी का भार कम कर लेते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। परंतु अब श्री कृष्ण केवल अयम इस अवतार की बात की है ना, एतद अर्थः अवतारः अयम इस अवतार की। परंतु अन्य अवतारों के उद्देश्य क्या हैं? भगवान के तो असंख्य अवतार है ना। तो अगले श्लोक में वो कहते हैं अन्यः, अब अन्य अवतारों की बात करेंगे। अन्योपि धर्म रक्षायै देह संभ्रियते मया, मैं अन्य अवतारों में देह स्वीकार करता हूँ या मेरे द्वारा देह स्वीकार किया जाता है। जब भगवान कहते हैं कि मैं देह स्वीकार करता हूँ, इसका मतलब है रूप। भगवान का देह हमारे देह की तरह नहीं है जो जड़ पदार्थों से बना हुआ है। भगवान के जितने भी अवतार हैं और वो अनगिनत हैं, वो सारे के सारे दिव्य हैं, सच्चिदानंद विग्रह रूपी हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं इन विभिन्न रूपों को धारण करता हूँ। क्यों? धर्म रक्षायै, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय। आगे चल के भगवद गीता में कृष्ण कहने वाले हैं इसी बात को। और किसके लिए? दूसरा कारण बताते हैं, विरामाय अपि अधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित। विराम देने के लिए, पूर्ण बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए। विरामाय, किस चीज को बंद करने के लिए? अधर्मस्य, जो कि काले प्रभवतः क्वचित, जो कि काल के अनुसार फिर अभी बढ़ता है। समय समय पर इस भौतिक सृष्टि में जैसे समय बीतता है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म कक्की घट जाता है। तो इसलिए अधर्म को रोकने के लिए भी भगवान अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। अब ये दो श्लोक कौन सोच रहे हैं? स्वयं भगवान सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों प्रकट हुआ हूँ और क्यों होता हूँ। इसी प्रकार से समय समय पर हमें भी अपने आप को याद दिलाना चाहिए, मैं क्यों भक्त बना हूँ, क्यों बना हूँ मैं भक्त। भूल जाते हैं कभी कभी, हमारी दैनिक समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं, हमारे जीवन के संघर्ष में भी इतने उलझ जाते हैं, और इसने ऐसे कहा उसने ऐसे किया में हमारा जीवन निकल जाता है, और हम भूल जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना। हाँ, हम सब के अंदर बहुत सारे दोष हैं, हम भी कभी कभी कुछ गलत काम करते हैं, कभी गलत कुछ बोल देते हैं, कभी दूसरे कोई हमारे प्रति कुछ गलत कहते हैं करते हैं, ये सब चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना चाहिए या कहना चाहिए इस तरह की चीज़ें, परंतु चाहे जो भी हो जाए, हमारे जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हमें सक्रिय रहना चाहिए भगवत भक्ति के रास्ते पर। जो भी हमारे जीवन में हो जाए, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने आप को पूछना चाहिए, मैं भक्त क्यों बना हूं? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो भगवान भी अपने आप को याद दिलाते, मैंने अवतार क्यों लिया है। जब भगवान भी इस तरह के आंतरिक परीक्षण कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो फिर आगे अब क्या हुआ? जब इस प्रकार से भगवान सोच रहे थे, तो क्या हुआ? एक चमत्कार सा हो गया। एवं ध्यायति गोविंद, इस प्रकार से जब गोविंद ध्यान कर रहे थे, सोच रहे थे, तो क्या हुआ? आकाशात, आकाश में से
रथाव उपस्थितौ सद्यः, सद्यः अर्थात अचानक, अचानक उपस्थितौ प्रकट हो गए। क्या प्रकट हो गए? रथौ, रथौ द्विवचन है, तो दो रथ प्रकट हो गए। और दिखने में कैसे थे? सूर्य वर्चसौ, सूर्य के समान प्रकाशमान थे। तो जैसे जैसे श्री कृष्ण अपने अवतारों के उद्देश्यों के बारे में सोच रहे थे, अचानक आसमान में से दो ऐसे प्रकाशमान रथ प्रकट हो गए। स सूतौ स परिच्छदौ, और रथ खाली नहीं थे, उनमें सारथी भी थे दोनों में, और तरह तरह के और जितने भी यंत्र आदि सब चाहिए वो भी सारे रथों में थे। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीकाओं में बताते हैं कि ये दो रथ कोई साधारण रथ नहीं थे, ये सीधे वैकुंठ जगत से आए थे श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए, श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। और भगवान के जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण के ऐसे यंत्र आदि तकनीकी विकास के बारे में पढ़कर सुनकर बहुत आनंद लेते हैं। मुझे याद है कि लेकिन आधुनिक हमारा तकनीकी ज्ञान की समस्या ये है ना, ये हमें वैकुंठ से खींच के ले आता है। भगवान के तकनीकी चीज़ों के बारे में सुन के हम वैकुंठ जा सकते हैं, यहाँ के तकनीकी चीज़ें हमें खींच लेती हैं। तो एक बार मुझे याद है एक व्यक्ति हमसे तर्क कर रहे थे, उन्हें मैंने किताब, छोटी किताब प्रभुपाद जी की दी थी, तो उस किताब में कोई वर्णन था कि भगवान के वैकुंठ जगत में वहाँ के निवासी हवाई जहाज़ में घूमते हैं। तो उनको ये बात पसंद नहीं आई, उसका पचन नहीं कर पाए। अरे आध्यात्मिक जगत में जाना सब ऐसे, तो वहाँ हवाई जहाज़ की क्या आवश्यकता है? जब लोग यहाँ से वहाँ उड़ के जा सकते हैं तो वहाँ हवाई जहाज़ क्यों चाहिए? तो हमने कहा जब हमारे पास गाड़ी हो सकती है, हवाई जहाज़ में हम लोग सफ़र कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में ऐसे क्यों नहीं होने चाहिए? वैसे पृथ्वी ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, परंतु किस प्रकार का प्रतिबिंब है? विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए यहाँ हमारे हवाई जहाज़ कभी कभी उनका अपघात हो जाता है, गिर पड़ते हैं, कभी टकराव हो जाता है, परंतु भगवान के जो यान हैं उनके साथ ऐसे दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। वास्तव में ये जितने भी यान आदि सब हैं भगवान के, ये भी भगवान के भक्त हैं जिन्होंने ये रूप धारण किया है उनकी सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान के धाम में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यदि हमें लगता है कि यहाँ हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और कंप्यूटर है और ये वो सब बहुत सी चीज़ें हैं, तो वैकुंठ जगत में कोई कमी नहीं है। वहाँ तो मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता भी नहीं है, बस उन्होंने सोच लिया उस व्यक्ति से दूसरे कोने में होगा, वहाँ वो भी समझ लेगा कि ये मुझसे बात करना चाह रहे हैं। तो खैर ये दोनों भगवान के धाम से उतर के आ गए ये रथ, और रथ के अंदर और क्या था? आयुधानी च दिव्यानी पुराणानी यदृच्छया, आयुधानी, आयुध अर्थात शस्त्र, अनेक शस्त्र थे, आयुधानी बहुवचन है, दिव्यानी ये दिव्य थे शस्त्र, पुराणानी, पुराणानी का अर्थ यहाँ पे है सनातन, कभी नष्ट न होने वाले। ऐसे जो शस्त्र हैं, आयुध हैं, भगवान के शस्त्र को आयुध कहते हैं, वो वहाँ पे भी प्रकट हो गए उन रथों में। कैसे हो गए? यदृच्छया, यदृच्छया का साधारण अर्थ होता है अपने आप। ये यदृच्छया शब्द हम श्रीमद् भागवत में अनेक बार पढ़ते हैं, अपने आप ये हो जाता है, परंतु वास्तव में इसके पीछे एक तात्पर्य है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती। आप जब भोजन बनाना चाहते हैं तो भोजन अपने आप हो जाता है? नहीं होता। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, उसके पीछे एक कारण होता है। तो कारण के बिना कोई परिणाम नहीं हो सकता, और हर एक कार्य के पीछे एक कारण है।
तो कभी कभी हम अब किसी परिस्थिति या घटना के का पीछे कारण क्या है नहीं जानते, इसलिए अपने आप हो गया, अचानक हो गया। जैसे हम रास्ते पे जा रहे हैं, किसी को मिल ली हम रास्ते में, तो कहते अचानक मिल गए, अपने आप मिल गए, नहीं, इसके पीछे भी कोई कारण है कि हम दो मिले। जैसे कर्म सिद्धांत में अचानक कुछ हो जाता है, अच्छा भला कुछ भी हो, हम सोचते अचानक हो गया यदृच्छया, परंतु आचार्यों ने बतलाया कि यदृच्छया का मतलब है हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, इसके पीछे एक छिपा हुआ कारण है जो हम नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यद्यपि यहाँ पे यदृच्छया शब्द का प्रयोग किया गया है ये बतलाने के लिए कि भगवान के आयुध अचानक प्रकट हुए, अपने आप प्रकट हो गए, हमें जानना चाहिए कि अपने आप नहीं हुए, ये भगवान की शक्तियाँ हैं। भगवान की शक्तियाँ सदैव तत्पर रहती हैं भगवान की सेवा के लिए, और इतने तत्पर रहते हैं जैसे सेवक को रहना चाहिए। सेवक अच्छा कौन होता है? जो अपने प्रभु की हर इच्छा को जानता है और प्रभु को कभी कभी कहने की आवश्यकता भी नहीं होती, तुरंत पहचान लेता है और जो वस्तु आवश्यक है स्वामी की या प्रभु की वो प्रदान कर देता है। तो भगवान की शक्तियाँ इस प्रकार से तत्पर रहती हैं भगवान की सेवा के लिए। तो जब उनकी शक्तियाँ जो आध्यात्मिक जगत में स्थित हैं उनको पता चला कि श्री कृष्ण क्या करना चाह रहे हैं, हनिष्यामी एतद अभी ईसार सेनाओं को की हत्या करना चाहते हैं, तो ठीक है हमारी आवश्यकता पड़ेगी भगवान को। तो भगवान की लीला शक्ति के द्वारा ये आयोजित एक कार्य है, एक लीला है। तो ये सारे आयुध वहाँ पर प्रकट हो गए और फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशः संकर्षणम् अथा ब्रवीत। तो ये सारे शस्त्र तो भगवान के भक्त हैं, तो इनको देखकर दृष्ट्वा तानि, इनको ऋषिकेशः, तो ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अब्रवीत कहा, किनसे कहा? संकर्षणम्, बलराम जी का संबोधन करते हुए कहा, पश्यार्य व्यसनम प्राप्तम यदूनाम त्वावताम प्रभो। हे आर्य, जब कोई हमारे लिए सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, कोई बहुत ही सभ्य सज्जन व्यक्ति होते हैं, तो एक सम्मान का संबोधन होता है आर्य, या महिला हो तो आर्या। तो यहाँ बलराम जी बड़े भाई है ना श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण संबोधन करते हुए कहते हैं, आर्य पश्य, देखिए, क्या देखिए? व्यसनम प्राप्तम, व्यसनम अर्थात संकट, प्राप्तम अर्थात जो प्रकट हुआ है, ये संकट हमारे सामने प्रकट हो गया है। देखिए किनके लिए संकट है? यदु नाम त्व अवताम प्रभो, यदुओं के लिए संकट है जो कि आपसे संरक्षित हैं, आपके द्वारा संरक्षित यदुओं के सामने ये भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। देखिए हे आर्य, एष ते रथ आयत है, और यहाँ पे देखिए आपका रथ भी प्रकट हो चुका है, और साथ साथ दयितानि आयुधानि च, दयित मतलब प्रिय, और आपके प्रिय आयुध भी प्रकट हो चुके हैं। तो अब श्री कृष्ण ने अपने चिंतन, निजी चिंतन में तो अपने आप को याद दिलाया था कि मैंने अवतार किस लिए लिया, अब वो बलराम को याद दिला रहे हैं कि हम दोनों ने अवतार किस लिए लिया। एतद अर्थम ही नव जन्म साधु नाम ईश शर्मकृत, एतद अर्थम, इस कारण से हम दोनों ने जन्म लिया है, हम प्रकट हुए हैं, क्यों? साधु नाम ईश शर्मकृत, साधुओं को शर्मकृत करने के लिए, शर्म शर्म नहीं, शर्म अर्थात सुख है या लाभ है, इसको शर्म कहते हैं। एक शर्मा है ना, ये नाम सुनते हैं ना, शर्म, तो शर्मकृत, तो साधुओं का भला करने के लिए, साधुओं को सुख देने के लिए हमारा प्राकट्य हुआ है। हे बलराम जी, हे आर्य,
त्रयोविंशति अनेकाख्याम। अभी यहाँ पे 23 सेनाएं उपस्थित हो चुकी हैं जरासंध के द्वारा। भूमेर भारम अपाकुरु, इसलिए भूमि के ऊपर ये जो भीषण भार हो गया है इसको आप दूर कर दीजिए हे बलराम, ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण। और फिर जब श्री कृष्ण ने बलराम को आमंत्रित किया कि आइए रथ पे सवार हो जाइए और यहाँ इस सामने जो दुष्ट सेना है इसको नष्ट कर दीजिए, तब दोनों कृष्ण बलराम ने अपने अपने कवच आदि सब धारण कर लिए और फिर अपने आयुध अपने अपने कर कमलों में भी स्वीकार कर लिए। और ये आयुध जो है ये चमक रहे थे, प्रकाशमान थे। और फिर अपने रथों में बैठकर वो मथुरा शहर के बाहर निकल पड़े और उनके साथ में बहुत छोटी सी सेना थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्यों ज़्यादा बड़ी सेना को लेकर नहीं जाना चाहते थे, कृष्ण और बलराम पर्याप्त थे ये सारे 23 अक्षौहिणी वर्गों को समाप्त करने के लिए। और जैसे वो निकल रहे थे वहां से तो क्या किया, शंखम दद्मौ विनिर्गत्य हरिर्दारुक सारथिहि ततो भूत परसन्य सैन्यानाम हृदि वित्रासवे पथुः। शंखम दद्मौ, दद्मौ मतलब बजाया। क्या बजाया कृष्ण और बलराम ने, शंख, अपने अपने शंख बजाए। विनिर्गत्य, जैसे वो मथुरा के बाहर जा रहे थे जाते जाते शंख बजाए उन्होंने। हरिर दारुक सारथी ही, भगवान कृष्ण के सारथी कौन है, दारुक। अर्जुन के सारथी कृष्ण, परंतु कृष्ण के सारथी दारुक। ततो भूत पर सैन्यानाम, और इसको सुनकर जो पर सैन्य है जरासंध के सैनिक, हृदय उनके हृदय में वित्रास वे पथु हो, वित्रास अर्थात अधिक भय, भय उत्पन्न हो गया। और वे पथु हो, वे पथु शरीरे में, अर्जुन कहते हैं ना भगवद्गीता में, कांप रहा हूँ मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। तो जरासंध के सैनिकों के हृदय में इतना भय उत्पन्न हो गया, सारे कांपने लगे। तो ऐसे युद्ध प्रारंभ करने के पहले वैदिक काल में प्रथा हुआ करती थी, उस समय नियमावली हुआ करती थी युद्ध के लिए, आजकल की तरह नहीं। जहां भी किसी भी समय किसी ने भी कहां भी आक्रमण कर लिया ऐसे नहीं, आमने सामने दोनों सेनाएं आती थीं, रुकते थे, दोनों अपने अपने शंख बजाते थे और फिर चलो शुरू, फिर एक दूसरे पे हमला करते थे। और भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी हम देखते हैं जैसे दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर, तो भीष्म देव ने अपना शंख बजाया जिससे दुर्योधन आदि का हौसला बढ़ गया और फिर कौरवों ने भी अपना अपना शंख बजाया और अन्य तरह तरह के वाद्य बजे शंखों के साथ में। जब उनका शंख आदि बजाना बंद हो गया तब पांडव सेना के शंख शुरू हो गए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्म वृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशः, तो ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय या अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीम कर्म वृकोदर, तो भीम ने पौंड्रक पौंड्र नाम के महाशंख को बजाया। भीम का तो महा होना ही चाहिए, दद्मौ मतलब बजाया। तो भीम कर्म, जिनके कार्य जो है अति मानवीय होते हैं, वृकोदर, वृकोदर अर्थात जो अति भोजी हैं अर्थात जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः
नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकः। फिर युधिष्ठिर, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का अपना शंख बजाया और साथ में नकुल थे, सुघोष शंख बजाया, सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया और इस प्रकार से सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्। जब सारे कौरव सेना के पांडव सेना के शंख बजने लगे और ये ध्वनि ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे आसमान का भेद करके तोड़ रहे हैं सारे ब्रह्मांड के आवरण को, तो कौरव सेना में भय उत्पन्न हो गया, जैसे जरासंध की सेना में अब हुआ। हृदयानी व्यदारयत, तो उनके हृदय में बहुत भय उत्पन्न हो गया, कष्ट होने लगा, कांपने लगे सारे। धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र का पुत्र धार्तराष्ट्र, क्योंकि बहुवचन है धार्तराष्ट्राणाम। जब कौरवों ने शंख बजाया था पांडव सेना में ऐसे कोई परिणाम नहीं हुआ, परंतु पांडवों ने और श्री कृष्ण ने जब शंख बजाया तो कौरव सेना की ये हालत हो गई। तो युद्ध के प्रारंभ में ऐसे एक प्रथा थी, शंख बजाते थे कि हम तैयार हैं, और एक कारण था कि अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए, और जो सामने विरोधी पक्ष है उनके सैनिकों का हौसला कम करने के लिए, उनमें भय उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार से एक से बढ़कर एक से बड़े जोर से शंख बजाते थे। हम यहाँ जब आरती करते हैं तो युद्ध समझ के इतनी जोर से भी बजाने की आवश्यकता नहीं है, बजाना है, परंतु ये ध्वनि अच्छी है। तो इस प्रकार से ये शंख, इसको शंखनाद बोलते हैं, शंखनाद। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना शंख के बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि इस विषय के ऊपर ज़्यादा कभी चर्चा होती नहीं है, है ना। तो आइए कुछ शंख के बारे में चर्चा करते हैं। तो शंख हटा दीजिए इधर, नहीं प्ले खोल हमें दीजिए, अभी आप यहाँ शंख देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये सारे शंख हैं, ये इसके ऊपर वरक लगा है चांदी का, और ये भी शंख है, ओ ये भी शंख है, ये दो अलग अलग थालियों में रखे गए हैं। क्यों रखे हैं अलग अलग थालियों में ये शंख, कोई बता सकते हैं? एक बजाने के लिए है और दूसरा आरती के लिए, उसमें जल रखा जाता है, जल अर्पण किया जाता है भगवान को। और एक अंतर क्या है इसमें, आपने कभी गहराई से देखा है इन शंखों को, किसी देखा है आपने ध्यान से? हाँ, ये देखिए, यदि मैं ये बजा रहा हूँ तो ऐसे बजाऊंगा, अब किस तरफ से ये खुला हुआ है, मेरे बाएं तरफ से, तो संस्कृत में बाएं दिशा को वाम कहते हैं, इसलिए इस शंख को कहते हैं वामावर्ती शंख, वामावर्ती, वाम वाम दिशा में ये खुलता है, खुला हुआ है। तो बजाने वाले शंख इस प्रकार के होते हैं, और यहाँ इसका मुंह होता है तो इसमें बजाना होता है, तो ये वामवर्ती शंख, ठीक है। तो इस ये केवल बजाने के लिए होता है, जो बजाने के लिए शंख होते हैं उनका उपयोग हम भगवान को जल आदि अर्पण करने के लिए नहीं करते, और जो जल आदि अर्पण करने के शंख होते हैं उनको बजाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये शंख देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, कौन से दिशा में खुला हुआ है, दाहिने ओर। तो दाहिने को संस्कृत में क्या कहते हैं, दक्षिण, तो दक्षिणावर्ती शंख। ये क्या है,
वामवर्ती शंख और ये है दक्षिणावर्ती शंख, ठीक है, और इसका मुंह है बंद है तो इसलिए बजा नहीं सकते। परंतु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बहुत मूल्यवान माना जाता है, ये बहुत दुर्लभ है। दक्षिणावर्ती शंख जो है ये बहुत मूल्यवान है। तो ये दो प्रकार के शंख हैं। अब ये शंख होता क्या है, आप में से किसी को मालूम है ये है क्या? ये शंख हड्डी है, एक आवरण है, किनका? एक जल में रहने वाले प्राणी का। क्या कहते हैं, घोंघा कहते हैं कुछ अंग्रेजी में, स्नेल के, तरह तरह के प्राणी होते हैं। तो ये इनके शरीर के हड्डी होते, इसके अंदर वो रहते हैं और अपनी रक्षा के लिए ये हड्डी या जो भी एक आवरण होता है ताकि अन्य प्राणी उनको खा ना सके, और फिर इस हड्डी में से निकल जाते हैं, फिर लोग इसको ले लेते हैं। अब देखिए ये एक पशु के शरीर का भाग है, समझ सकते हैं इसको, फिर भी हम भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान के सिंहासन के ऊपर हम रखते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती अर्पण करते हैं, जल आदि अर्पण करते हैं भगवान को, तो क्या ये अशुद्ध नहीं है? क्या किसी अन्य शरीर के जानवर या किसी प्राणी के शरीर का अंग हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? विशेष विशेष ऐसे होते हैं, जैसे चामर है, उसका प्रयोग किया जाता है सेवा के लिए। तो मोर पंख है, उसका प्रयोग करते हैं। परंतु शास्त्रों में ऐसे वर्णन है कि हर चीज़ के बारे में हमें प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं निर्णय लेना चाहिए। अरे ये जानवर का है तो नहीं करना चाहिए, साधारण तो ये नियम सही है, परंतु जो गोमय है, गोबर, वो शुद्ध माना जाता है। साधारणतः किसी भी प्राणी की विष्ठा ये अशुद्ध मानी जाती है और स्पर्श करने से हमें स्नान करना पड़ता है, परंतु गोमय एक पशु की विष्ठा होने के बाद भी ये शुद्ध है। इतना शुद्ध है कि जब हम अशुद्ध हो जाते हैं तो गौमय का स्पर्श हमें करना चाहिए, गौमूत्र का स्पर्श हमें करना चाहिए। अब यदि कोई तर्क करे कि ये कैसे मान सकते हैं, ये तो पशु की विष्ठा है, ये ऐसे है क्योंकि ये वेद वाक्य है, वेदों में बताया है कि ये शुद्ध है, पवित्र है, हर अवस्था में शुद्ध है। और गोबर और गौमूत्र इतना शुद्ध है कि भगवान का अभिषेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माता यशोदा श्री कृष्ण का अभिषेक करती थी वृंदावन में, सेवा करती थी, तो गोबर से और गोमूत्र से तिलक वगैरह लगाती थी, नहलाती भी थी कभी कभी। यदि हमें सिंहासन भी स्पर्श करना हो, कभी कभी हम गोबर से भी कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यद्यपि ये एक जानवर के शरीर का हिस्सा था किसी समय, फिर भी शास्त्रों के अनुसार ये शुद्ध माना जाता है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार चलना है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, वामावर्ती शंख, और ये दक्षिणावर्ती शंख। ये किसके लिए उपयोग करते हैं? बजाने के लिए, और ये पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब शंख जो है इसकी, ये कैसे उत्पन्न हुआ पता है किसी को? पांचजन्य राक्षस, हाँ, ये कृष्ण कैसे पांचजन्य प्राप्त किया, परंतु पांचजन्य उसके पहले कहाँ था? शंखचूर्ण, उसके पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में बहुत से व्यक्ति उत्पन्न हुए, बहुत से वस्तुएं भी उत्पन्न हुए। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक के बाद एक जब उत्पन्न हो रहे थे वस्तुएं, तो भगवान का शारंग धनुष भी उत्पन्न हुआ, और उसके बाद ये पांचजन्य शंख उत्पन्न हुआ।
समुद्र मंथन में और बहुत से धन्वंतरी प्रकट हुए, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, भगवान का कौस्तु भगवान की कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। तो इस प्रकार से भगवान के जो पार्षद हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी समुद्र मंथन में प्रकट हुई, भगवान के आयुध भी प्रकट हुए। तो ये एक निमित्त मात्र है। वास्तव में लक्ष्मी देवी हो या कौस्तुभ मणि हो या फिर भगवान के अन्य आयुध हो, ये सदैव भगवान के साथ उनके धाम में रहते हैं। परंतु जब भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो किसी लीला के द्वारा, किसी निमित्त के द्वारा ये भगवान के हवाले आ जाते हैं। अब ये पांचजन्य या ये जो शंख है, ये भी भगवान के साथ रहता है हमेशा। वैकुंठ जगत में चतुर्भुज भगवान नारायण या विष्णु स्वरूप में उनके चार हाथों में चार आयुध रहते हैं। कौन से हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो उनके शंख का नाम है पांचजन्य, चक्र का नाम है सुदर्शन, गदा का नाम है कौमोदकी। तो ये सदैव भगवान के साथ में रहते हैं। परंतु क्योंकि भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं तो इस रास्ते से भगवान के पास आते हैं। प्रकट तो हो गए वहाँ पर, फिर भी भगवान के हवाले नहीं आए। फिर भगवान कृष्ण के पास ये पांचजन्य कैसे आ गया? जब अवंतीपुर गए थे श्री कृष्ण बलराम गुरुकुल में, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, उनके गुरु वहाँ थे सांदीपनी मुनि। जब शिक्षण समाप्त हुआ तो दक्षिणा देने के लिए अपने गुरु के पास गए तो सांदीपनी मुनि ने कहा, ठीक है, मैं पत्नी के साथ विचार विमर्श करता हूँ और फिर तय करता हूँ कि मैं आपसे क्या दक्षिणा मांगूंगा। तो पत्नी के साथ चर्चा करने के बाद सांदीपनी मुनि ने कृष्ण बलराम से कहा कि आप मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, जो कि अनेक वर्ष पूर्व समुद्र में खो गया था जब हम प्रभास क्षेत्र गए थे यात्रा के लिए। प्रभास क्षेत्र कहाँ पे है? द्वारका के पास है। तो सांदीपनी मुनि जानते थे कि दक्षिणा मांगना है इनसे। साधारण कोई अन्य शिष्य होता, छात्र होता, तो उनसे ऐसे सब नहीं मांगते, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण और बलराम कौन हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे वरदान मांग ली, ऐसे दक्षिणा मांग ली कि मेरा पुत्र लौटा दीजिए मुझे। तो श्री कृष्ण बलराम ने कहा, तथास्तु, अवश्य। वो निकल पड़े और सीधे प्रभास क्षेत्र गए और वहाँ उन्होंने समुद्र के देवता को बुलाया, मुझे मेरे गुरु के पुत्र को लौटा दे दीजिए। उन्होंने कहा, प्रणाम किया कृष्ण बलराम को और कहा कि वास्तव में मैंने नहीं लिया, परंतु मेरे जल में एक असुर रहता है जिसका नाम है पंचजन, और उसने इस बच्चे का भरण किया था और ये यहाँ दुष्ट ये मेरे जल में यहाँ मंडरा रहा है। तो फिर श्री कृष्ण बलराम जल के भीतर गए, पंचजन को ढूंढ निकाला और उसकी हत्या कर ली। और पंचजन का फिर ये शंख था, इसके अंदर था वो, हाँ, तो शंख उठाया और फिर वो ले आए। परंतु उस शंख, वो बच्चा नहीं था वहाँ पर, सांदीपनी मुनि का बच्चा नहीं था। तो फिर वो गए संयमणि, जो यमराज का स्थान है, और यमराज ने जब उनका शंख सुना, पांचजन्य का, पहचान के, अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, और बाहर आए, उनका स्वागत किया, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो कृष्ण बलराम ने कहा कि हमारे गुरु के पुत्र को लौटाइए। तो यमराज ने तुरंत सांदीपनी मुनि के पुत्र को लौटा दिया और इस प्रकार से कृष्ण बलराम ने दक्षिणा दे दी अपने गुरु को, लीजिए आपका पुत्र। और सांदीपनी मुनि बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण बलराम ने पूछा, और भी दक्षिणा मांग, मैं हम क्या दे सकते हैं? बोला, बस तुम जैसे शिष्य मिल गए मुझे, ये सबसे बड़ी मेरे लिए दक्षिणा है। तो इस प्रकार से पांचजन्य ये आ गया। और इसलिए भगवद गीता में भी क्या कहा गया है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय।
स्कंद पुराण में वैसे और भी कुछ बताया गया है कि जब ये पांच जन्य शंख बजता है तो नरक लोक के जितने भी पीड़ाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। नरक लोकों में पीड़ा देने के लिए तरह तरह के व्यवस्थाएं हैं और यंत्र आदि हैं। जैसे कोई ऐसे यंत्र है जो वहाँ व्यक्ति को काटते रहता है, परंतु जब पांच जन्य का शंख बजता है तो इसका धार समाप्त हो जाता है, वो काटता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति वहाँ है उसको कोई पीड़ा नहीं होती है क्योंकि पांच जन्य शंख वहाँ बजा है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर शंख बजे जो कि पांच जन्य के प्रतिनिधि हैं, जो भगवान की सेवा में प्रयोग किए जाने वाले शंख बजाएं, तो हमारे जीवन में जितने भी पाप आदि हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये मंगल दिव्य ध्वनि है शंख की, इसलिए शंख हम बजाते हैं। साधारण शंख बजाने से भी यदि कोई पूजा में उपयोग न हो रही हो, वैसे भी ये मंगलमय माना जाता है ये शंखनाद। और जब भगवान की पूजा के दौरान बजाया जाता है आरती के पहले और बाद में, तो फिर ये दिव्य हो जाता है। तो इस प्रकार से पूजा अर्चा में भी प्रयोग किया जाता है। हरि भक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये अनिवार्य है कि आरती के पहले और आरती के बाद में शंख बजना चाहिए। इसलिए तीन बार पहले, तीन बार बाद में बजता है शंख। तो कभी कभी जब कथा आदि हो रही होती है तो कथा में कोई असुविधा न हो इसलिए हल्का सा बजा लेते हैं, पप 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 करके समाप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों को असुविधा न हो। एक दूसरे मंदिर में जब मैं था वहाँ पे दरवाजे सारे बंद करने पड़ते थे मंगल आरती के समय, क्योंकि प्रातः काल में 4:30 बजे शंख की नाद जो है वो पड़ोसियों उनको सुनकर विचलित हो जाते थे, झगड़ा करने आ जाते थे। तो खैर उन्हें नहीं पता था कि ये भी ध्वनि उनके उद्धार का कारण है, फिर भी ज़बरदस्ती तो नहीं हो करना चाहिए। तो खैर ये मंगल ध्वनि है, इसको सुन के आरती के पहले और बाद जो भी अशुभ कोई प्रभाव वहाँ हैं परिसर में वो सब नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध हो जाता है वातावरण। इसलिए शंखनाद, ये बजाने वाला शंख इस प्रकार का होता है। और साधारणतः जैसे मैंने पहले कहा, बजाने वाला शंख कैसा है? वामावर्ती। और आरती के समय हम भगवान को जल अर्पण करते हैं, इसमें जल डाल के अर्पण करते हैं, उस समय दक्षिणावर्ती। तो इसमें जल भर के जब रखते हैं, अभी भगवान की आरती से अलग भी यदि किसी ने एक किसी इस प्रकार के दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के रखा अपने घर में, रात भर रखा और उसको सुबह में उसका पान कर लिया, इसके बहुत फायदे होते हैं। ऐसे शंख केवल घर में रखने मात्र से कल्याण होता है। भक्तों के घर में तो होते ही हैं क्योंकि भक्त लोग आरती करते हैं घर में, हर एक भक्त के घर में छोटा सा मंदिर होता है, शंख तो बजता है और आरती के लिए छोटा सा शंख भी चाहिए। इस तरह से छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से खाली शंख भी रखा हो तो उससे भी कल्याण होता है, परिसर जो है शुद्ध हो जाता है। और उसमें जल भर के जब इसका पान किया जाता है इस जल का, तो बहुत लाभ होता है, तरह तरह के बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं और वास्तु दोष आदि भी समाप्त हो जाते हैं। तो जिनको वास्तु की बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई चिंता है, लेकिन ये भगवान के संबंध करेंगे तो सारा परिणाम दिव्य हो जाएगा। अन्य आखिर हम लोग कर्मकांडी नहीं हैं, हम लोग भक्त हैं। खास करके ये दक्षिणावर्ती शंख में जो जल होता है इसका पान करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है और हमारे बोलने में जो भी कठिनाई होगी ना उससे वो सुधर जाती है। कि
किसी को बोलने में कोई कठिनाई हो कुछ हो तो ऐसे एक एक उपाय बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के शंख बहुत अच्छे हैं, आवश्यक हैं। और आरती हम अर्पण करते हैं, ये जल तत्व भगवान को अर्पण करते हैं, फिर रुमाल का प्रयोग करते हैं। साथ साथ में जब अभिषेक करते हैं उस समय भी आपने देखा होगा दोनों प्रकार के शंखों का प्रयोग हो रहा था। थोड़े दिन पहले बलराम जयंती में आपने क्या सुना, यहाँ भक्त लोग दोनों तरफ से शंख बजा रहे थे क्योंकि दिव्य ध्वनि हो रही थी। साथ साथ अभिषेक करते समय भी ये दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग हो रहा था। तो दोनों तरह के शंख भगवान की दिव्य सेवा में, अर्चा विग्रह की सेवा में और उत्सवों में विशेष रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए, काफ़ी समय हो गया, तो ये थोड़ा बहुत कुछ शंखों के बारे में था। और एक दो बातें हमने नहीं कही परंतु कह देते हैं। इसमें कहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख आदि जो होते हैं इनमें लक्ष्मी देवी का निवास है। क्यों है? क्योंकि ये शंख जो है लक्ष्मी देवी के भाई माने जाते हैं। क्यों? समुद्र मंथन में दोनों का जन्म हुआ और भाई बहन में प्रेम है, तो जहाँ भी ये शंख रहता है ना तो लक्ष्मी देवी वहाँ पर आती है। परंतु हमने जान मैं सोच रहा था बोलूँ नहीं बोलूँ, परंतु बोल ही दिया क्योंकि हमें सच्चे धन के लिए ये शंख रखना चाहिए। सच्चा धन क्या है? कृष्ण भक्ति। तो जब हम इस शंख का प्रयोग भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए करते हैं और ऐसा शंख हमारे घर में है तो केवल रुपए पैसे का धन इसका मूल्य क्या है? ये अपने प्रारब्ध के अनुसार तो आएगा या जाएगा। तो जब हम भगवान की सेवा के लिए हमारे घर में या मंदिर में शंख रखते हैं तो इससे वास्तविक जो धन है कृष्ण प्रेम का वो मिल जाता है, ऐसे हमने सुना है। अब मेरे साथ आके कोई तर्क न करे बाद में, किसी और वैज्ञानिक को भेजिए मत, मेरे पास प्रमाण नहीं है, परंतु ऐसे मैंने पढ़ा है कि जहाँ संतति या संतान नहीं हो रहे हैं किसी दंपति को तो ऐसे दक्षिणावर्ती शंख में रात भर जल रख के उसका पान लगातार करना चाहिए लंबे समय तक, तो वो भी ठीक हो जाता है। और ख़ास करके फिर भगवान के उसी शंख में जो जल है उससे भगवान के विग्रह का अभिषेक भी करना चाहिए, तो ऐसे करने से संतति भी हो जाती है। तो ऐसे जगह जगह हमने सुना है। और क्यों नहीं हो सकता? जैसे चरणामृत का पान करने से, जब भगवान को हम जल अर्पण करते हैं ना तो ये चरणामृत है, तो चरणामृत का पान करने से होता है, तो ये भी एक प्रकार का चरणामृत है। तो ये दक्षिणावर्ती शंख और वामावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख भी है और तरह तरह के अन्य शंख हैं। गोमुख शंख है इसमें, अभी इसमें है क्या? नहीं, तो ऐसे उसके अलग 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 वो होते हैं। तो ऐसे तरह तरह के शंख हैं, तो घर में रखना, इसका मतलब ये नहीं कि केवल शंख लाके आप रखें, घर में मंदिर बनाइए छोटा सा, फिर भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा के लिए ये शंख आप रखिए घर में, फिर अपने आप सब लाभ मिल जाएगा। तो चाहे वो युद्ध के लिए हो, लेकिन युद्ध के लिए अभी आवश्यक नहीं है, तो हमारे पूजा अर्चना आदि के लिए हम शंख का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद काफ़ी कुछ हो गया शंख के बारे में, तो आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
माइक माइक दीजिए। और हाँ, एक बात और मैं कहना भूल गया कि उड़ीसा में चार क्षेत्र माने जाते हैं और वो चार क्षेत्र भगवान के चार आयुधों के रूप में हैं, शंख चक्र गदा चक्र। तो जगन्नाथपुरी जो है उसे शंख क्षेत्र कहते हैं क्योंकि उसका आकार शंख जैसा है। और जो भुवनेश्वर है वो चक्र तीर्थ है, जाजपुर गदा तीर्थ है और कोणार्क पद्म तीर्थ है। तो ओडिशा में ये चार तीर्थ हैं। तो जगन्नाथपुरी का आकार एक शंख का है, दक्षिणावर्ती शंख, क्योंकि जो भगवान के हाथ में आयुध है शंख चक्र गदा पद्म वो दक्षिणावर्ती शंख है। तो भगवान कभी कभी इस शंख का प्रयोग आशीर्वचन आशीर्वाद देने के लिए करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने जब के सामने प्रकट हुए भगवान, तो उन्होंने ध्रुव महाराज के सर का स्पर्श किया अपने शंख से और ध्रुव महाराज के अंदर आध्यात्मिक शक्ति भर गई और ध्रुव महाराज बस ऐसे स्तुति करने लगे भगवान के कि जैसे गोमुख से गंगा बहती है वैसे उनके मुखारविंद से भगवान की सुंदर स्तुति निकलने लगी केवल शंख के स्पर्श से। हाँ, क्या प्रश्न है? हम एक बार ऐसे ही शंख ले रहे थे तो कोई अन्य धर्मीय हाँ, वो आगे बोल रहे थे आप जो आप शंख यूज करते हो उसके पीछे हम वो ऐसे बोल रहे थे कि वो आपको शंख चाहिए इसलिए दूसरा व्यक्ति वो हिंसा करता है, जो शंख के अंदर का जो कीड़ा है उसको मार के आपको देता है, हिंसा अच्छा है या बुरा है ऐसे कुछ है थे। तो हमको कुछ समझ में नहीं उसको क्या बोलना चाहिए। साधारणतः अभी जितने भी अन्य मति के लोग हैं वो खूब हिंसा करते हैं, इसलिए उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि आप हिंसा कर रहे हो। ये तो पहली बात है, वो तो रोज हिंसा करते हैं, है ना, नए नए हिंसाएं करते हैं। परंतु साधारणतः हम ये आशा करते हैं कि जो लोग इन शंखों को लाते हैं ये जानबूझकर उनको मारते नहीं हैं। यदि कभी कभी क्या होता है कि वो अपने आप से भी निकल जाते हैं प्राणी, और जैसे हम रेशम का प्रयोग करते हैं ना या हम शहद के प्रयोग करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अहिंसा शहद का प्रयोग करें, अहिंसा रेशम का प्रयोग करें, जिसमें कि कीड़ों को या जो मधुमक्खियां हैं उनकी हत्या न करते हुए करें। तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि जो लोग ये हमें देते हैं वो भी इसी प्रकार से कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ पीछे माइक। हरे कृष्णा। छोटे छोटे तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जैसे आपने भगवान के नारायण के हाथ में शंख चक्र पद्म रजत पद्म का नाम ये, और दूसरा है जो जगन्नाथपुरी के चार ये है, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क। तो हमको दो दिखाए जाते हैं, भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी, कोणार्क में नहीं दिखे जाते, दो हो गए। हाँ, बस हमारे लिए इतना पर्याप्त है। जगन्नाथपुरी में ही जाएंगे तो कितने दिन वहाँ बिताना होगा वास्तव में सब कुछ ठीक ठाक समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। हाँ, भुवनेश्वर भी जाते हैं और आसपास में भी, कटक के पास में साक्षी गोपाल मंदिर है वहाँ भी जाते हैं, तो इतना पर्याप्त है हमारे लिए। और पहला क्या था? शंख चक्र पद्म का नाम दिया हुआ नहीं है, बाकी तीन के नाम दिए हुए हैं, कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ा है पद्म का नाम, लेकिन बाकी तीनों के नाम है। पद्मा हो सकता, पद्मा जो भी है पता नहीं।
हरे कृष्णा। हम किसी को बोलते हैं शंख रखना चाहिए घर में, ये शुभ है, ऐसे बोलने के बाद वो लोग बोलते हैं कि शंख बजाने से युद्ध प्रारंभ हो। वो ऐसे ही बोलते हैं कि आप कितने लोग ऐसे बोलते थे, जब वो चित्र है ना जहाँ कृष्ण और सारथी बने हैं, अर्जुन रथ पे सवार हैं और युद्ध कर रहे हैं, ऐसा चित्र मत रखो क्योंकि आपके घर में युद्ध हो जाएगा, बल्कि युद्ध मिट जाएगा। उसी तरह से ऐसे मंगल चीज़ों को घर में रखने से युद्ध मिट जाएगा, युद्ध बढ़ेगा नहीं। ये केवल लोग ऐसे वैसे यहाँ वहाँ से कुछ सुन के बोल लेते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ, आपने कभी एक शंख देना कोई भी खाली शंख की आवाज़ आपने सुनी है कभी? एक ध्वनि है, ऐसे कहा जाता है कि शंख से ओमकार की ध्वनि निकलती है, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो खाली शंख को भी ऐसे लिखते ओमकार ओम हम हरे कृष्णा ऐसे सुने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। छोटी सी बात यह क्या है कि उस प्रश्न के संबंध में कि घर में युद्ध हो जाता है, यदि घर में युद्ध होता है ना उसमें शंख बजाओ जोर से बजाओ, ताकि वो चकाचौंध होकर झगड़ा करने वाले लोग बंद कर देंगे, और झगड़ा कर भी रहे होंगे तो सुनेंगे नहीं एक दूसरे क्या बोल रहे हैं। इसलिए शंख रखो और भगवान को रखो और भगवान की सेवा के लिए शंख रखो। हाँ सर, आगे। हरे कृष्णा।